हेलो फ्रेंड्स, निर्मल स्वाद किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि चावल तो हम अपने घरों में सभी बनाते हैं, लेकिन जो खिले खिले बिल्कुल मार्केट जैसे है, जैसे शादी में हम चावल बिल्कुल खिले खिले खाते हैं, ऐसे परफेक्ट चावल हम अपने घर में कैसे बनाएं? अक्सर ये ख्याल सभी के घर मन में रहता है। तो आज आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेम बिल्कुल जैसे हम शादी में या हलवाई से बने हुए फंक्शंस में चावल खाते हैं, वो चावल आज हम अपने घर में बनाकर तैयार करेंगे। और जब भी आपका मन हो, ये चावल आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेन जो इन चावल की जो मेन स्पेशलिटी है वो ये है कि जो भी लोग डाइट करते हैं और ब्राउन राइस उनको खाने लेकिन अच्छे नहीं लगते हैं, तो अगर आप इस प्रकार से चावल को बनाकर खाएंगे, आप प्लेट भरकर चावल खाएंगे, तो आपका वेट तब भी नहीं बढ़ेगा। वेट लूज करने में भी ये चावल आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए हमने एक भिगोना लिया है, उसमें हमने 3 गिलास पानी डाला है। साथ ही हमने चावल को आधा घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब इन चावल को हम इस पानी के अंदर डाल देंगे और प्लेट की हेल्प से इसको इस प्रकार से ढक देंगे। दूसरी ओर हमने यहाँ पर छलनी ली है, किसी भी भिगोने के ऊपर हम छलनी को इस प्रकार से रख लेंगे। उबाल आने तक हम इनको ढककर पकाएंगे। बीच में एक बार इस प्रकार से चला देंगे। ऐसा करने से चावल तली में लगकर नहीं जलेंगे। अगर आप 1 गिलास चावल बना रहे हैं तो हमने 3 गिलास पानी भिगोने के अंदर डालना है, और जो चावल का भीगा हुआ पानी है वो भी हम चावल के साथ ही भगोने में डाल देंगे। 1 गिलास चावल के लिए 3 गिलास पानी सफिशियंट रहता है। अगर चावल का पानी आप निकाल कर यूज़ कर रही हैं तो हम 3.5 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अच्छे से चावल उबल रहे हैं। जब अच्छे से इनमें उबाल आने लगे तब हम प्लेट को हटा देंगे, वरना जो पानी है वो उबाल लगकर गैस पर फैल जाएगा। इस प्रकार हम प्लेट में कुछ चावल के दाने लेंगे और इनको इस प्रकार से प्रेस करके देखेंगे। अभी थोड़ा ये हल्का कच्चा लग रहा है। अब हम 1 मिनट के बाद वापस चेक करेंगे। चावल को अगर हम फिंगर की हेल्प से इस प्रकार प्रेस कर रहे हैं तो चावल अच्छे से मैश हो रहा है। इस स्टेप पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम के बंद करने के तुरंत बाद ही जो हमने स्ट्रेनर रखा हुआ था उसके ऊपर इस प्रकार से हम चावल को छान लेंगे। ऐसा करने से जो नीचे जो चावल का पानी है वो नीचे रखे हुए भिगोने में आ जाएगा और चावल ऊपर स्ट्रेनर पर रह जाएंगे। करीब 1-2 मिनट के लिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले। इसके बाद हमने दूसरी गैस पर कढ़ाई में ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। उसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालकर उसे हल्का सा सुनहरा होने तक भून लिया है। जीरे को हमने बिल्कुल काला नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो जीरे का तड़का हम ऊपर से चावल में लगाने वाले हैं, इससे जो चावल होते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और साथ साथ जो जीरा होता है वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है। इस प्रकार से चावल को बनाते हुए हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, फ्लेम को ऑफ करने के तुरंत बाद हमने चावल को स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेना है। इस प्रोसीजर को हमने बहुत तेज़ी से करना है कि वरना चावल आपस में चिपक जाएंगे और एक दूसरे चिपक कर उनका हलवा बन जाएगा। जो जीरा हम इसमें डालेंगे वो हमने ब्राउन कलर का ही भूनना है। अगर जीरा तेज हो गया और जल जाएगा तो उसके टेस्ट आपके चावल पर भी उसके टेस्ट का इफ़ेक्ट पड़ेगा और चावल देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तीसरी चीज़ हमने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप चावल बना रहे हैं, अगर आपने 1 गिलास चावल लिए हैं तो हम उसमें 3 गिलास पानी डालेंगे। साथ साथ हमने जो चावल जिस पानी में हमने साफ़ पानी में चावल भिगोए हैं उस पानी को भी हम चावल के भिगोने में डाल देंगे। अगर आप उसके पानी को अलग करने के बाद चावल को भगोने में डाल रहे हैं तब हमने 1 गिलास चावल बनाने के लिए 3.5 गिलास पानी लेना है। ये कुछ बॉयल्ड मटर मेरे पास रखी हुई थी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट चावल बनकर तैयार हुए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।